यार नजर क्यों इमराद जी अम्मी बात सुनो। हाँ जी। सोने जा रहे हो? हाँ जी अम्मी, नींद बहुत आ रही है ना, वैसे भी टाइम काफी हो गया अब तो। मेरा सार सुबह से फोड़े की तरह दुख रहा है, आजा मेरा पुत्र माँ दा सेरी आके थोड़ी देर नू कोट दे हैं। आजो आजो, शाबाशी। आए आए अल्लाह, आए मैं मार गई। ये हाँ ये रख लीजिए, देखा चलिए। भैया गुड नाइट। अरे इतनी जल्दी भैया, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, वीकेंड है ना। नफीस अहमद सिद्दीकी वर्सेस मदन सिद्दीकी, चलो ऊपर। आज तो बहुत नींद आ रही है, कल खेलें? है इतनी जल्दी नींद आ रही? चलो ठीक है, तुम जाओ जल्दी से, तुम सो जाओ। शाबाश, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। तो कभी लॉक लगाकर नहीं सोती। जब उसे कोई परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों इंतजार करूं उसकी कॉल का? सब मेरी गलती है, मुझे नंबर ही नहीं देना चाहिए था उसे। Thank you.
हेलो हाय कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। वो तो मैं भी जानता हूँ कि कितनी अच्छी हैं। सॉरी लेट कॉल कर रहा हूँ आपको। सो तो नहीं गई थी? मैं सो ही गई थी। एक्चुअली मुझे अजरा ने बताया था कि आप फोन करेंगे, लेकिन बस मेरे दिमाग में नहीं रहा। I'm really sorry, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया। मुझे टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी। एक्चुअली ना मुझे भी याद नहीं रहा कि आपको कॉल करनी है। अजरा के थ्रू मैसेज भिजवाया और खुद ही भूल गया। वैसे मैं अपना नंबर ना किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन आपसे ऐसी तफसीली मुलाकात हो चुकी थी घर पे कि जब आपकी फ्रेंड ने मुझसे मेरा नंबर मांगा मैंने शेयर कर दिया। खैर बताएं क्यों कॉल किए, क्या बात करनी थी आपने? बात बोलिए। आप परफ्यूम कौन से यूज करती हैं? आपने मुझसे आपने मुझे फोन परफ्यूम्स का पूछने के लिए किया है? मतलब इतनी मेहनत से आपने मेरा नंबर ये सवाल करने के लिए लिया है? नहीं I can't believe this. भैया गुड नाइट। अरे इतनी जल्दी भैया, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, वीकेंड है ना। नफीस अहमद सिद्दीकी वर्सेस मदन सिद्दीकी, चलो ऊपर। भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल खेलें? अच्छा मुझे बताएं कि मैं आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या करती हैं आप ऑफिस से आकर?
जाओ, गुड मॉर्निंग। मन्नत, हेलो, अम्मी अम्मी कहाँ पर हैं आप? लॉज आप यहां पर हैं और मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, लगता है नाश्ते में आज ज्यादा ये तमाम हो रहा है। क्या बना रही है? ये तुम्हें नाश्ता लग रहा है, हैं? सबा नेजे पर सूरज आ गया है, दोपहर का खाना पक के तैयार हो गया है और तुम्हें नाश्ते सूझ रहे हैं, क्या बात है, हैं? जरा दसे ना, ये इतनी पक्की नींदें तो कभी तुम्हें अल्हड़पन में भी नहीं आई। अम्मी वो रात को शायद अलार्म लगाना भूल गया था। वैसे अम्मी बुढ़ा तो अभी भी नहीं हुआ मैं। याददाश्त बड़ी कच्ची होती जा रही है तेरी, कोई बात तू याद ही नहीं रखता, हैं? किसी दिन मान हो ना भूल जाए। कैसी बातें कह रही हैं आप, भला आपको कभी भूल सकता हूं मैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपने सोचा भी कैसे? अम्मी को पता नहीं क्या हो गया। मन्नत दरवाजा ही नहीं खोल रही, ऊपर से लॉक लगाया हुआ कि कोई आकर उठा भी ना सके। अरे भाई नई रूटीन है, एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा, थक गई होगी सोने दो, से वीकेंड है। हाँ लेकिन 12 बज गए हैं यार, शी नेवर वेक्स अप दिस लेट, कल भी तो रात जल्दी सोने चली गई थी। हाँ मगर जल्दी सोने जाने का मतलब ये नहीं कि जल्दी सो भी गई हो। हाँ पता तो है, आई एम पैरानॉइड, कॉल करके चेक कर लो ना, परेशानी हो रही है मुझे। ठीक कह रहा है आदिल, वो यकीनन देर से सोई होगी इसीलिए अब तक आंख नहीं खुली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 नहीं, गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया मेरे बगैर? ऑब्वियसली, टाइम देखा आपने, अब नाश्ते का टाइम खत्म हो गया, खाने का टाइम शुरू होने वाला है। सॉरी भाभी, पता ही नहीं चला, आंखें नहीं खुली। 2 घंटे से तुम्हारा दरवाजा खटखट आ रही, इतनी गहरी नींद कौन सोता है भला, इतनी परेशान हो रही थी मैं। रात में देर से सोई थी ना। अच्छा, बड़े भाई अभी यही कह रहे थे। यानी एक बार फिर साबित हो गया कि मन्नत को बड़े भैया से ज्यादा कोई नहीं जानता। बहुत खूब अंदाजा लगाया बड़े भैया, क्या बात है आपकी। हमने क्या अंदाजा लगाना, वो कह रही है ना रात को देर से सोई थी, हालांकि नींद तो रात 10 बजे ही आने लगी थी उसे। आउट हो गया। कौन आउट हुआ, कौन कैसे आउट हुआ है? कैच हो गया ये। यार मिस हो गया। वैसे मुझे एक बात बताओ, लॉक तुमने जान के लगाया था ना ताकि मैं आकर उठा ना सकूं। क्या हो गया भाभी,
गलती से लॉक लग गया होगा। आपको मैंने कितनी दफा कहा है मेरे कमरे का लॉक खराब है, ठीक करवा दें। जी जी जी, उस दिन भी खराब हो गया था ना जिस दिन शमी हमारा रिश्ता लेके आई थी। सच अ ड्रामा क्वीन यू आर, तौबा अस्तगफार। अच्छा मुझे बताएं, ये बड़े भैया का मूड इतना ऑफ क्यों है? पता नहीं, सुबह से ही चुप चुप है। वैसे तो उठते साथ ही तुम्हारा पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज तो सिचुएशन ही रिवर्स थी। मैं पैनिक कर रही थी और वो रिलैक्स होके बैठे हुए थे। मैं पता करके आती हूँ। आज फिनिश। रीप्ले क्यों नहीं दिखा रहे? जाएगा। मैंने फोन पकड़ा और आउट हो गया। देख लो। अगर मैं अपने घर वालों को भेज दूँ तो उन्होंने कौन सा मान लिया? वाह कमाल है यार। एक तो अच्छा है। बस फिर तो एक ही हद है। हम भाग के शादी कर ले। अम्मी देखे, लेकिन आज भी नाचा ठंडा दी है। चाय में चीनी नहीं है और ऑमलेट में नमक नहीं। बुलाया जरा ऐसे पूछे। जी अम्मी, तुम मुझे अपने घर लेके जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलकर प्राण चाय गरम कर के लिया दे। कालियां मिर्चां दे लून भी लिया दे। अम्मी को क्या हो गया? कहीं उन्हें मन्नत के बारे में पता तो नहीं चल गया? लेकिन कैसे? खैर अभी जाकर अम्मी की गोद में सर रख कर लेट गया। अम्मी के दिल में जो कुछ भी होगा ना सब बाहर आ जाएगा। हर वक्त में शिकायतें लगाना जरूरी नहीं होता। अच्छा इतनी चीनी चांद केड़ा निकी बड़े भैया, आप अचानक यहाँ क्यों आकर बैठ गए? बस अकेले बैठते को मन चाह रहा। तबीयत तो ठीक है आपकी? ब्लड प्रेशर ठीक है? एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। तबीयत ठीक है हमारी मन्नत, फिक्र ना कीजिए, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। आप जाइए, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। आपके बगैर एंजॉय कर सकती हूँ मैं बड़े भैया? हमारा प्लान था ना, हमने मूवी देखने के लिए जाना था, फिर हमने डिनर पर जाना था। क्या हो गया आपके मूड को बैठे? आप क्यों हमारे लिए अपना वीकेंड खराब कर रही हैं? आप जाइए किसी और के साथ प्लान कर लीजिए। दोस्तों की कमी थोड़े हैं आप? कौन से दोस्त? भैया आपको मालूम है ना कि आपके साथ वक्त गुजारने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। आपसे बढ़कर नहीं है कोई मेरा दोस्त। अच्छा वाकई कुशक है आपको? तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें गुड़िया को जरूरत नहीं रही हमारी। ये क्या कह रहे हैं आप?
और ऐसा सोचा भी कैसे आपने? क्या हो जाता है अचानक, हमें बस यही सोच रहे हैं। पता है जब से खुद मुख्तार हुई हो, दफ्तर जाने लगी हो, खुद कार ड्राइव करने लगी हो, अजीब तरह के वहम सताने लगे हैं। हमें लगता है जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो भूल जाओगी अपने बड़े भैया, वो जिन्होंने तुम्हें, वो जिन्होंने उंगली से पकड़ के चलना सिखाया था। पता है जब पहली बार बोली थी तो भाई बुलाया था तुमने। आपको लगता है मैं बदल गई? हाँ। कुछ है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर रहे बड़े भैया? अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है या आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे डांटें, मुझे खुल के बताएं, लेकिन इस तरह रिएक्ट ना करें जैसे मैं कोई गैर हूं। आप मुझे बताएं, आपकी इजाजत से ही मैंने ऑफिस जाना शुरू किया है, तो फिर नाराजगी कैसी? भैया बड़े भैया को कहीं मुराद के बारे में तो नहीं पता चल गया? लेकिन पता कैसे चला? पत्ती पिला दे और सो गया दूध पत्ती पिए। अच्छा, शौकत भाई के साथ रह रहे के ना आपको भी दूध पत्ती की आदत लगी गई है? ऐसा तो नहीं है कि अब आप देसी घी और क्या है वो मक्खन के पेड़े भी खाने लग गए हैं? हाय, ऐसी चीजों के तो नाम ही ना लो जिनकी शक्ल देखे हुए अरसा हो गया। बताए कितने दिन हो गए पिंकी नाश्ते में अंडा खाए बगैर स्कूल जा रही है। अल्लाह ताला की नेमतों का दीदार किए हुए तो तरस ही गए हैं। आपकी अब महंगाई बहुत हो गई। मैं आपको सच बात बताऊं, अब मुझे लगता है कि मुराद भाई के लिए दो घरों का खर्चा चलाना भी ना आसान काम नहीं है। आप कहती क्यों नहीं है शौकत भाई से कि जरा सीरियस होकर कोई काम ही ढूंढ ले? यही तो मसला है, नौकरी करना वो अपनी शान के खिलाफ समझता है, कारोबार के लिए पैसा चाहिए जो उसके पास टिकता नहीं। वैसे आजकल वो संजीदा होके सोच रहा है कारोबार करने के बारे में। शुक्र है आपकी, ये तो अच्छी बात है ना, कुछ तो सोच रहे हैं संजीदगी से, वरना रातों रात अमीर होने के चक्कर में जो जुए खेल खेल के बर्बादियां की है ना वो कम नहीं है। कारोबार कर तो ले पर तुम लोगों की मदद चाहिए। कैसी मदद? भैया सारे ऑर्डर्स अपने शेड्यूल के मुताबिक इन प्रोसेस हैं, नए डिजाइन और सैंपल्स भी तैयार हैं। छुट्टी के दिन आप हमें यहाँ लेके आ गए, बिला वजह परेशान हो गए। काम की फिक्र नहीं है हमें, तुम संभालते हो सब, जानते हैं हम। यहाँ प्राइवेसी में बात हो सकती थी, हम मन्नत के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तुमसे। इज एवरीथिंग ऑल राइट? ऐसी क्या बात है मन्नत की जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है? हमें उसकी शादी की फिक्र हो रही। नहीं, आप क्या कह रही? जॉब छोड़ ली बिना वजह भला क्यों? बस नहीं बात ही है मुझे तुम्हारी, ये जॉब बस कह दिया है मैंने, कल जाओ और जाकर इस्तीफा देकर आओ। इस्तीफा देकर क्या करूंगा मैं, घर में बैठ के झक मारूंगा। वो आप ही शादी करनी है, पिंकी के स्कूल की फीस, रुद्रत बाजी के घर का खर्चा सब हो जाएगा।
मैंने बाकर भाईजान को फोन किया था, बड़े दिन से मुझे कह रहे थे कि हमारी कंपनी में एक काबिल नौजवान की जरूरत है। अच्छी बात है, जानने वाले हैं, तेरा ख्याल रखेंगे। अम्मी मुझे नहीं जरूरत, ना करे वो मेरा ख्याल। मार्केटिंग की डिग्री लेकर मैं मसाले बनाने वाली कंपनी में लग जाऊं। अम्मी मुल्क की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती, ऐसे कैसे अपनी फील्ड छोड़ दो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, अपनी बूथी देखी हो, आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े ढूंग पड़ गए हैं, ना कुछ खाना ना पीना। मैंने तो तुम्हारी हंसी की आवाज भी नहीं सुनी इतने दिन से। लानत भेजो ऐसी नौकरी पर जिसके लिए सारी सारी रात इंसान को जागना पड़े। अम्मी खुदा के वास्ते मैं आज जूट, इस मामले में मुझ पर कोई जबरदस्ती मत कर। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। आप प्लीज कम से कम इस बारे में मुझसे बात ना करें। चल ठीक है फिर, जो मर्जी आए कर। इस मामले में मैं नहीं बोलती, लेकिन ये याद रखना कि इसके अलावा जो भी मामलात होंगे तुझे मेरा ही कहना मानना पड़ेगा। इधर आ। जी खा कसम मेरी। चल खा मेरी कसम, तुझे हर मेरा फैसला मानना पड़ेगा। भैया अचानक आपको मन्नत की शादी की फिक्र क्यों सताने लगी? और मैं देख रहा हूं सुबह से आप खामोश खामोश, कोई मसला है क्या? बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला हो भी सकता है, फुर्सी कर रहे हैं हम। क्या दिख रहा है आपको, कोई परेशानी है? नहीं नहीं परेशानी नहीं है। देखो देखो आदिल, मंतू ने अपनी जिद से जॉब शुरू की, अब बाहर की दुनिया के लोगों से वास्ता पड़ेगा, अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। गॉड फॉरबिडन कोई ऐसा वैसा फैसला कर बैठे हो, हम उसे खुदा ना खास्ता अपने सामने बर्बाद होते नहीं देख सकते। सो हम ये सोच रहे हैं कि झान पटक के किसी अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दिया जाए, जहां वो खुश हो, उसे वही मान मिले, वही इज्जत मिले जो उसे अपने भाइयों के घर में मिलती। भैया आपने मन्नत की बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत समझदार है वो, लेकिन फिर भी जो आपको बेहतर लगे। तो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आदिल अल्लाह बख्शे अम्मा अम्मा जान अब्बा जान को आगे जाके हमने ही जवाब देना, सो बस आज से ही हम उसके लिए किसी अच्छे से रिश्ते की तलाश शुरू करते हैं। थैंक यू। मूड अच्छा, बात करके देख ले। आप पे फैसल के अकाउंट में इतने पैसे तो नहीं होंगे, ये मैं जानती हूँ। मैं फिर भी देखती हूँ अगर सैलरी एडवांस मिल जाए ऑफिस से तो। फिर तो मसला ही हल हो जाएगा, मुझे यकीन है कि दफ्तर वाले आसानी से मान जाएंगे। मैं कोशिश कर लूंगी आप पे, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। लेकिन तुम लोगों के अलावा हमारा है कौन? एक तुम लोगो, एक मुराद है। अब शौकत ने हामी बारी ली है तो थोड़ी सी मदद कर दो। जैसे कारोबार चलेगा ना, सबसे पहले तेरे पैसे वापस करूंगी। जी आप ही, मैं कह रही हूं ना, मैं कोशिश करूंगी। थोड़े से समोसे और तल दे, शौकत के लिए पैक करा के ले जाऊंगी। अच्छा खाने में क्या पकाया? पुलाव बनाया था, मैं वो भी पैक करवा दूंगी।
शर्म नहीं आती मुझसे जॉब की ट्रीट मांग रहे हो? ट्रीट तो तुम्हारी तरफ से ड्यू है। बड़े सिक्सर्स लगाए जा रहे हैं, मैचेस जितवाए जा रहे हैं, ओवरनाइट अ सेलिब्रिटी। हाँ ऐसा वैसा, पता है मैं जहां भी जाता हूँ ना लोग मुझे ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए रोक लेते हैं। बड़े भैया से कहना, बहुत प्रॉब्लम थी ना मेरे क्रिकेट खेलने पर, अब आई होप ही इज प्राउड ऑफ मी। बड़े भैया को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें डॉक्टर बना देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए भी देख के ना उन्हें बहुत खुशी होती है। सब पता है, यही बात सोच के ही तो खुशी होती है मुझे। Anyhow, आदिल भाई से काफी दिनों से बात नहीं हुई, मैंने कल उन्हें कॉल की थी लेकिन कॉल अटेंड ही नहीं की उन्होंने। अच्छा ओके, रुको मैं बात कराती हूँ। फाइन। वैसे कह तो भैया बिल्कुल ठीक है, यही उम्र होती है लड़कियों की शादी करने की। मुझे तो हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार भैया ने सीरियसली मन्नत की शादी के बारे में सोचा। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भैया के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। भाई दे राय दुरुस्त है, मैं तो कहती हूँ जरूर देखे मन्नत के लिए रिश्ते, लेकिन जो भी हो उसमें मन्नत की मर्जी जरूर शामिल होनी चाहिए। Obviously, जो भी होगा उससे पूछ के ही होगा। इसे आदिल, मेरा बड़ा दिल था कि मन्नत की और हमाद की शादी हो जाए, काश बड़े भैया मान जाते। क्या कह सकते हैं? यार एक मसला हो गया, मुझे लगता है अम्मी को शक हो गया। There's a problem. लगता है बड़े भैया को मुझ पर शक हो गया है।